तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का गाइस ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि है आज आशु का बर्थडे है। तो आज इसके लिए चलिए कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी? लोंदी कहाँ चल रहे हैं? चल रहे केक ऑर्डर करने भाई। क्या अभी चल रहे हम लोग केक ऑर्डर करने, और हम लोग के ब्लॉग में जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे आप लोग को दिखाने रहेगा। पहले चलते गाइस केक ऑर्डर करते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्म हाउस पे जहाँ पे बर्थडे मनेगा। तो लेट्स कर दिया हम लोग जा रहे अपने अपने घर। निया करेंगे, निया करने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, कपड़ा चेंज करने के बाद सीधा चलते हैं। तो गाइस मैं बर्थडे के लिए एकदम नहा धो के एकदम रेडी हूँ, और आशी मेरा चाय की दुकान खरीदार कर रहा है। मैं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, बर्थडे विश करता हूँ, और देखते हैं बर्थडे कैसा रहता है। गाइस आशी अंदर बैठता है और उसको बर्थडे विश करते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। और अस्सलाम वालेकुम भाई, तुमको यौमे पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो, तरक्की करो। और अरे तली भाई तुम भी, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई स्कूल का साथी। सरप्राइज नहीं प्लान किया गाइस, क्योंकि थोड़ा हम ट्रिप से होके आए, मेरा बजट का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो बस ऐसे ही खस्ता खस्ता बर्थडे रह जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे कैसे देख सकते हैं, फ्री में बर्थडे खाने के लिए सब चले आए, बर्थडे का पार्टी खा लिया। बर्थडे वाले दिन आसिफ बलून बेच रहा कही चुका। आसिफ ने की दीवार खोल दिया। अंकल बहुत अमीर है, अंकल अंकल बोलो, अंकल बहुत अमीर है, अंकल अंकल। अंकल ने पूरा बैलून खरीद लिया है, अंकल पूरा बैलून ले रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। के फ्लैट पे पहुंच गया है और जा रहे हैं अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ का नजारा, अमन गेट पे खड़ा है। ये सारे मेरे दोस्त, इसको तो जानते हैं ताबिस, अंसारी भूलने की बीमारी। ये देखिए सर, अमन भाई कुरकुरे पहले खाने लगे। ये खा लो खा लो, ये डम्पी, ये कल्लू भाई मेरा फ्रेंड राहुल रसिया, ये इसका भाई, ये स्मार्ट है भाई, हाथ तो मिला लो। और अमन अजीम अजीम भाई भाई, अरे ये देखिए 10 बार कपड़ा चेंज किया तब भी गंदी शक्ल लग रही है। तो गाइस हम कुरकुरे खा लेते हैं। एक अजीम ऐसा चूतिया होता है, एक ये होता है अजीम, मुझे ठीक ठाक लग रहा है लेकिन पहली बार देखे यही चूतिया है, खाली यही चूतिया है। ऊपर से नीचे 200 का जूता पहना है, 80,000 के शूज है, 80,000 के जूता है, 200 रुपए में तेरा घर जाएगा इसमें। अजीम सस्ता, अजीम जॉर्डन सस्ता जॉर्डन पे, गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अमन के फ्लैट पे, और काफी हम लोग मस्ती की है, और फिर अभी फिलहाल हम लोग का चिकन बन रहा है। देख सकते हमारे अजीम चिकन बना रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस हम देख सकते हैं अजीम की जिंदगी चिकन बनाने में ही निकल जाएगी, आधी तो निकलने वाली नहीं है, आधी जो बच्ची निकल जाएगी। हम गलत प्रोफेशन में आ गए, हमें बावर्ची बनना चाहिए। तो गाइस आप कमेंट करके बताएं कि अजीम अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा बावर्ची बन सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अगर खाना अच्छा बनेगा तुम लोग कहना एक लाइक मेरे लिए। तो गाइस चलिए अभी आप अभी दिखा देते, अभी बनने में तो काफी टाइम लग गया, क्योंकि अभी प्याज निकलाया है, प्याज बन गया जी, बन आ ही रहा था, प्याज अभी भून रहा है तब तक भूनने के लिए। चलिए आप कुछ और दिखा देते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो कुछ और, का मतलब कि ये दोस्तों की मस्ती। तो चलिए दिखाते हैं फिर आप, खाना तो टाइम पे मिल जाएगा, ये तो जिम का काम है, जिम टाइम पे खाना मिल जाएगा कि नहीं? तो गाइस आप कमेंट करके बताएं कि जिम टाइम पे खाना खिला पाएगा या फिर नहीं, ये आप गाइस देख सकते हैं। काम किया इवन तो गाइस आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरीके से भून चुका है, अभी हल्का ब्राउन होगा तब भुना है, मतलब
प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस। मसाला डाला जा रहा है, तो गाइस जब देख सकते हैं अभी एक मसाला डाला जा रहा है ताली पर और जिम के थ्रू। देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा भुन गया है, कीड़े वीड़े कुछ नहीं पड़े थे। तो गाइस आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये फूड ब्लॉगिंग तो नहीं है, नहीं ये फूड ब्लॉगिंग नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉगिंग है, पर लेकिन आज का स्पेशल है इस वजह से स्पेशल खाना अजीम भाई बना रहे हैं। Happy birthday to you जी, ये लो खिलाया खिलाड़ी जल्दी आ जाओ, एक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। Happy birthday to you हाँ जी, इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। सैंडल सैंडल से बुझा के बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो। रोटियां मंगा, वीडियो से पहले भैया खिला दीजिए, ये इंसान कब से आया भूखा बैठा है, खिला दे रहे सर। इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक। सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है, तुम और भी बुढ़े हो गए, छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। तुम अकेले हो नहीं, यहाँ और भी बुड्ढे हैं, बोलो यार बोलो। किसी बहाने मिला तो आज 15 अगस्त है, कल हमारा 14 अगस्त मेरा बर्थडे था, तो वही ब्लॉग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा टांडा फॉल, यहाँ से टांडा फॉल जाएंगे, टांडा फॉल घूमेंगे और यहाँ जा रहा है थोड़ी देर में इजाज को लेके सीधा हम लोग टांडा फॉल पहुँचेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग फाटक पे, ये कौन सा फाटक है, हयात नगर वाला फाटक है, ये सबरी फाटक। तो गाइस अभी हम लोग सबरी फाटक पे खड़े हैं, इजाज का वेट कर रहे हैं, वो बाइक से आ रहा है तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ है, हम हैं जी, मैं तालिब है, अमन है और राहुल है, हम दोनों लोग अपाची से हैं फिलहाल। राहुल भाई अपनी नई अपाची लिया है, तो भाई को कांग्रेस कर देंगे। और गाइस हम लोग लाइव चैनल ले चुके हैं, बना हुआ है, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो लाइव चैनल ले चुके हैं और आगे देखते हैं क्या कैसे रहता है, बहुत पैसा है। तो गाइस चलिए फिर यहाँ से हम लोग टांडा इजाज़ आ जाता है तो फिर उसके साथ हम लोग टांडा पहुँचेंगे।
मेरा दोस्त इजाज बॉडी बिल्डर और राहुल भाई आ गया नहीं दिखा रहे। ये है मेरा दोस्त कोमांसु, ये है आदित्य, बिन नानी का जाना माना शख्स। अच्छा ठीक है। और अजी भाई क्या हाल है? हैप्पी जनवरी ब्रो। तो गाइस हम लोग टंडा फॉल पहुंचे से पहले यहाँ पे एक पहाड़ से पानी गिरता है, जो कि डॉक्टर भी कह रहे हैं सब लोग कि पानी बहुत सारे बीमारी होता है यहाँ पे। और ये पानी जो बहुत से बड़े बड़े फाइव स्टार होटल होते हैं उसमें पानी जाता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पी के पहले मैं इसको पी का इसका टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस ये पानी पीने से मतलब बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम सब यहाँ पे पानी पियेंगे, फिर आपको बता सकते हैं। यहाँ से पानी पीने के बाद सीधे चलेंगे टंडा फॉल। ये पानी देख सकते हैं एकदम सफेद है, गंदगी नहीं है। यहाँ पे पानी यहाँ पे भरा रहा है और यहाँ पे ऐसा सेट किया गया है कि पत्ता पत्ता रख के और ये ईटा रख दिया गया है ताकि ये पत्ते के थ्रू ये पानी होके और लोग पानी पी सके आराम से पानी पी सके। तो गाइस चलिए चलते हैं टंडा फॉल, फिर आपको दिखाते हैं। मिनरल से भरे पानी का पी के आनंद लेंगे। आसिफ पी के नाचने लगा। तो गाइस हम लोग मिर्जापुर के सबसे बेहतरीन टंडा फॉल में आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं पार्किंग स्टैंड, यहाँ पे पार्किंग कट रही है। आगे स्टैंड है, यहाँ पे पार्किंग कट रही है। अगर बाइक हमारी बाकी थी तो पर पर्सन मतलब पर बाइक 20 रुपए कटा। अब हम लोग 60 रुपए दे चुके हैं और अब हम लोग अंदर चले दिखाते हैं आपको अंदर का। अंदर का सबसे बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा गाइस। यहाँ ऊपर चल के हम लोग सीढ़ी में जा रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चल के आपको पूरा टंडा फॉल का व्यू हम आपको दिखाएंगे। और देखिए मिर्ज़ापुर के सबसे फेमस वाटरफॉल, जो यहाँ के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ का देखते हैं नज़ारा और यहाँ आके नहाते हैं। हम लोग आए थे यहाँ देखें लेकिन यहाँ पूरा सूखा हुआ है, पानी का एक कतरा नहीं दिख रहा हम लोग, पानी की कंगाली। और अमन भाई हरा भरा, लेकिन एक चीज तो है भाई, धूप नहीं है। तो गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है टंडा फॉल, मिर्जापुर का जाना माना फॉल। इसमें पानी का एक कतरा तक नहीं है, उस तरफ चलेंगे आपको सिर्फ पत्थर पत्थर ही पत्थर दिखाएंगे, हर तरफ पत्थर है, पानी इससे अच्छा हम लोग चले जाते हैं अमेज़न के जंगलों में। तो गाइस यहाँ पे खतरा इस टाइम कोई भी खतरा नहीं, पानी एकदम सूखा है, खतरा नहीं। आप आ सकते हैं अगर आप पहुंचते, अगर आपको मतलब डर लगता है पानी होने से तो आप आ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि पानी तो नहीं है। अगर आप इस टाइम अगर यहाँ आने वाले तो हमारा कहना है कि अभी मत आए, मत आए, काफी पानी भरा जाता है। तो 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं टंडा फॉल में, टंडा फॉल में 15 अगस्त भैया के लिए चलो दे दें। विदेश से फॉरेन से अंग्रेज लोग यहाँ आए हैं, टूरिस्ट बस से। हाँ, इन लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। सौरभ का है, सौरभ का है, अब जिसका भी हो आराम से चलो, जो काटेदार है ना वो काटा दुसा देगा, का देगा।
ये हसी वादियां में खुला या ये देखिए सर्कस का खिलाड़ी आसिफ। तो गाइस हम लोग आज जा रहे हैं टाटा फॉल में, बच्चों का काफी अच्छा बना है, लोग बाइक से भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम लोग बाइक से जा सकते थे बट हम लोग सोचे कि जो मजा पैदल जाने में है वो बाइक से, इसीलिए हम लोग बाइक अपने पास में लगा दी। गाइस बहुत जुटता है, अगर हम गाड़ी लेके आते हैं तो चलिए लेके आते हैं, बोले थे इससे कोई तैयार नहीं हुआ तो फिर हम पैदल ही चलते हैं, जो मजा सबके साथ है वो गाइस। आगे हमारे एक जाने पहचाने भाई मिल गए, वालेकुम अस्सलाम परवेज भाई, आए हैं मिले नहीं, परवेज भाई कहाँ है, लोग खाई के नीचे है, खाई के नीचे भाई, आप लोग देख सकते हैं हमारे भाई लोग मिल चुके हैं यहाँ पे है, खाई के नीचे ठीक है अपना पैर ब्लॉग देखना ब्रो, एहे रहा नहीं जाता। तो गाइस इसे समझ में आ रहा है हम लोग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है आप लोग की दुआओं से, आप लोग के साथ से अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ दो चार लोग जो पांच लोग जान पहचान के मिल जाते हैं, तो गाइस चलिए आपको हम लोग दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से टांडा फॉल को। तो गाइस खतरों से भरा है यहाँ पे, बियर ग्रिल इतना खतरनाक खतरनाक जगह से उतरा, इतना डेस्टिनेशन पहुंच गए, मैं उतर चुका आप देख सकते हैं, अब झाड़ियों के अंदर जाऊंगा, झाड़ियों झाड़ियों में सांप रहता है, साफ सफाई। तो गाइस इससे ज्यादा राहुल कह रहा था कि राहुल की टंकी में पानी है। तो गाइस सूख सूख आप देख सकते हैं पर बहुत ज्यादा गहरा है ये, जो पानी से भर जाता है पूरा तो भर जाता है, फिलहाल अभी पानी एकदम नहीं है, अगर पानी रहता तो जैसे झरना से पानी गिरता, तो फिलहाल पानी का तो नामो निशान नहीं, एकदम खत्म हो चुका है, पानी आने का भी कोई वो नहीं है। हमारे बड़े भाई परवेज भाई अली भाई, तो गाइस जिन की हम बात कर रहे थे भाई भी मिल गए, हमारी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं भाई पानी खत्म हो गया, हम लोग पानी छोटा था गाइस, एक हफ्ता पहले पानी था, एक हफ्ता बाद पानी गायब हो गया, वो पानी गया कहा कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने बनू बना डॉक्टर ना लिए थे तो खाम रात में खाते हुए बोल रहे थे, आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी। अभी हम लोग तीनों दोस्त पुराने में तीनों क्लास साथ जा रहे हैं, स्कूल से साथ में है, स्कूल से साथ। तो गाइस ताली बता रहा था यहाँ काली चढ़ा रहता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, जो क्रिस 3 में यहाँ पे पहाड़ चढ़ा था वो इसी पहाड़ तक चढ़ने के बाद उसके पास शक्ति आ गई, बोनमीटा से नहीं शक्ति आई थी, पहाड़ चढ़ने के बाद शक्ति आ गई, वापस जा रहे हैं गाइस पहाड़ चढ़ के, बहुत मजा आया लेकिन पानी होता तो और भी मजा आता, पानी नहीं था आधे से ज्यादा प्लान का नाश कर दिया ये पानी, चलिए कोई ना नेक्स्ट टाइम वेदर का मजा ले लिया, वेदर का मजा ले लिया, अच्छा वो धूप नहीं थी वरना और भी बेकार लगता, लेकिन सही है जो भी है सही है, अच्छा लगा अच्छा लगा। तो गाइस हम लोग यहाँ से काफी घूम करके टांडा फॉल से हम लोग निकल रहे हैं, वापस हम लोग बाइक के पास जाएंगे, बाइक लेंगे चलेंगे फिर हम लोग घर। उससे पहले गाइस आपको बता दें कि हमारे साथ दो लोग आए थे अमन और राहुल, वो लोग पहले ही चले गए थे घर और हम लोग अब जा रहे हैं बाइक बाइक इंसान के पास, बाइक लेंगे और निकलेंगे घर। तो गाइस चलिए ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।